Hello friends, today we are going to start our last chapter, vehicles. Vehicles means क्या होता है? सवारी, गाड़ी. तो बच्चों, C-Y-C-L-E, cycle. Cycle का meaning नहीं होता है, cycle ही होता है. M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E, motorcycle ही होता है. C-A-R, car. Car, A-U-T-O-R-I-K-S-H-A-W, auto rickshaw ही होता है. S-C-O-O-T-E-R, scooter, देखे हो बच्चों? J-E-E-P, jeep, S-H-I-P, ship means जहाज. ship means क्या होता है? जहाज. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R, helicopter means helicopter. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane means hawai jahaz ya bayu yaan. B-U-S, bus means bus. T-R-U-C-K, truck means truck. T-R-A-I-N, train. आप बच्चों ट्रेन भी कर सकते हो या रेलगाड़ी भी कर सकते हो. हेलो, लेट अस कंटिन्यू विथ क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट. इनमें से जो है कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन पे चलने वाली जो गाड़ी होती है. तो बच्चों, हेलीकॉप्टर या कार, तो इसका क्या होगा? Car is the right answer. Next, which of these is a water transport? वो पानी में चलने वाला जो है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है इनमें से? तो ship या jeep. कौन सा चलता है? Jeep तो बच्चों लैंड में चलता है, तो ship is the right answer. Next question, which is the fastest means of transport? इनमें से कौन जो है सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है? तो बस या एरोप्लेन. तो बच्चों, इसका एरोप्लेन इज द राइट आंसर. ठीक ना? इसको अच्छे से समझ करके याद कर लेना है बच्चों.